आधे का नियोजन कर दिया गया और आधे का असर नहीं किया गया। जब हम लोग नीतीश कुमार सर जनता दरबार में सर घेरे तो वहाँ बोला गया जो सर जब आधे का नियोजन हुआ तो आधे को सर आप नियोजन दीजिएगा, एक ये कहाँ का सर न्याय है जो एक आधे का नियोजन हो और आधे का नहीं। निजीकरण का नाम लिया जाए तो बिल्डरों के बहाली वो स्पष्ट तरीके से ले ली जा रही है। दूसरी नंबर बात अगर बात कहा जाए, सरकार द्वारा आदेश आता है कि कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होगी मगर उसमें एक ऑब्लिक देके एक कोस्ट बना दिया जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके कारण हम लोगों को नज़रअंदाज करके और निजी संस्था द्वारा आर्थिक रूप से उन कैंडिडेट से पैसा लेके और उन लोगों की ज्वाइनिंग किया जाती है और बाकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज, मैं हूँ आपके साथ तनी कुमार। BPSM अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर दिखते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। आखिर क्यों नियुक्ति नहीं मिली, तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये लोग, संख्या भले ही कम है लेकिन जो इनकी मांग है वो कहीं ना कहीं जायज़ है और इसको लेकर लगातार ये लोग धरने पे बैठे दिखते हैं, तो कभी BPSM कार्यालय में। ऐसे में सभी लोगों से जुड़ते जानते हैं क्या कुछ मसला है इनका, क्या मसला है आप लोगों का, क्यों आप लोग यहाँ पे फिर से जुटे हैं। हम लोग का मसला नियोजन से संबंधित था। हम लोग विगत 3 वर्षों से भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार नंबर एक पर है और बेरोजगारी को दूर कर दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार ही सर्वोपरि है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने एक पोस्टर ये साफ तरफ लिखा है जिले में एक पैनल से आधे का नियोजन, तो आधे का क्यों नहीं, यानी कि आधे का हुआ आधा का नहीं हुआ? जी सर। क्यों नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? अररिया जिला से हम सर 18-19 में सर पैनल बना, आधे का नियोजन कर दिया गया और आधे का असर नहीं किया गया। जब हम लोग नीतीश कुमार सर जनता दरबार में सर घेरे तो वहाँ बोला गया जो सर जब आधे का नियोजन हुआ तो आधे को सर आप नियोजन दीजिएगा, एक ये कहाँ का सर न्याय है जो एक आधे का नियोजन हो और आधे का नहीं। उस दिन से सर कभी BPSM घेराव, कभी गर्दनी बाग, सर हम लोग दर दर से भटक रहे हैं सर, अभी तक कोई सुनवाई सर नहीं हुआ है। आगे सर अब इसके आगे अब फिर सर धरना प्रदर्शन होगा, BPSM घेराव होगा, अंतिम उपाय सर आत्मदाह होगा। आखिरी बार भी आत्मदाह करने की कोशिश की थी आप लोगों ने? किए थे हम लोग, फिर हम लोग करेंगे आत्मदाह करने की कोशिश, जब तक बहाली नहीं होगा हम लोग का जारी रहेगा। आखिर क्या वजह है जो आधे की नियुक्ति हुई आधे की नहीं हो पा रही है? आप लोग लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क में धरना भी दे रहे हैं, क्यों नहीं कोई नतीजा निकल पा रहा है? सबसे पहले बात तो जो सरकार की दोहरी नीति है, एक निजीकरण के हाथों में सौंपे जा रहे हैं, निजीकरण का नाम लिया जाए तो बिल्डरों के बहाली वो स्पष्ट तरीके से ले ली जा रही है। दूसरी नंबर बात अगर बात कहा जाए, सरकार द्वारा आदेश आता है कि कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होगी मगर उसमें एक ऑब्लिक देके एक पोस्ट बना दिया जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके कारण हम लोगों को नज़रअंदाज करके और निजी संस्था द्वारा आर्थिक रूप से उन कैंडिडेट से पैसा लेके और उन लोग की ज्वाइनिंग किया जाती है और बाकी को इसी तरह छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग हर समय हर जगह हर समय उपलब्ध होके BPSM से रिक्वेस्ट करके इवन जिला स्तरीय जिला पदाधिकारी से भी बात करके उन लोगों के साफ तौर पे कह दिया गया है कि BPSM के अधिकारियों लोग द्वारा रोक दिया गया है। हाँ, तो देखिए जो तस्वीरें साफ तौर पे दिख रहे हैं, BPSM के जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति की जाए, लेकिन जब आधे की नियुक्ति सभी जिलों में की गई है तो आधे की नियुक्ति क्यों नहीं होगी? साथ ही साथ जो बेल्टून के तहत जो लोग आते हैं इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं पैसे लेकर उन्हें नियुक्ति दी जा रही है लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसे में लगातार सरकार जो दावे करती है कि रोजगार का सृजन किया जा रहा है, तो रोजगार का सृजन कैसे होगा जब अभ्यर्थी सड़कों पे होंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके अलावा कई सारे वैकेंसी के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पे दिखते हैं और नतीजा क्या निकलता है ये जग जाहिर है। बिहार में रोजगार को लेकर क्या स्थिति है सभी लोग जानते हैं, लेकिन नतीजा बहुत बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इनका जो मुद्दा है BPSM का, ऐसे में क्या कुछ नतीजा है देखने का, हालांकि जो एक अधिसूचना जारी की गई लेकिन जारी होने के बाद क्या कुछ नतीजा था, उसके बाद कितने लोगों की नियुक्ति होती है, देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन अब तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।